चैनल सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब के बाद बेल बटन पर क्लिक जरूर कर दीजिए जिससे कि नोटिफिकेशन आए आपके पास और आप वीडियो वॉच करें। हाय एवरीवन, आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि अगर आपकी आईज छोटी हैं या फिर हुडेड हैं मेरी तरह, तो कैसे आप अपनी आईज को बड़ा दिखा सकते हैं और आमंड शेप का दिखा सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल ईजी स्टेप्स में मैं बताऊंगी आपको ये, तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले आई बेस के लिए मैंने ये कंसीलर लिया है लोरियल का, और बहुत अच्छा कंसीलर है ये। जो भी कंसीलर आप यूज़ कर रहे हो, मतलब फुल कवरेज होना चाहिए और मैट फिनिश होना चाहिए और थोड़ा सा लाइट कलर में होना चाहिए, जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैं लगा रही हूँ, तो आई मेकअप जो है वो और अच्छे से उभर के आता है, ज़्यादा अच्छे से पता चलता है। तो इस तरह से इसको ब्लेंड कर लेंगे हम पूरी आईज़ पर, और हल्का सा यहाँ पर मैंने पाउडर लगाया है, बहुत ही लाइटली लगाना है। और यहाँ पे ये मैंने टेप लगा लिया है जिससे आउटर वी हमारा बहुत अच्छे से। और अब ये मैंने फोक्यूल्यूर का पैलेट लिया है और ये शेड लिया है मैंने इसमें से, तो बहुत ही लाइट सा ऑरेंज शेड है ये, और इसको मैं क्रीज पर लगा रही हूँ। तो बहुत ही लाइटली इसको हम यहाँ पर लगा देंगे। और अब ये ब्राउन शेड लिया है मैंने, और इस वाले शेड को मैं बाहर बाहर ही रखूँगी, तो बिल्कुल अंदर तक हमको ये लेकर नहीं आना है। इसको मैं सिर्फ आउटर वी पर मैं इसको ज़्यादा फोकस कर रही हूँ, और वहीं पर मैं इसको थोड़ा थोड़ा इस तरह से ब्लेंड कर रही हूँ। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, इसको पूरा अंदर तक मैं लेकर नहीं आ रही, थोड़ा इसको बाहर की तरफ ही हम ज़्यादा रखेंगे क्योंकि हमको आइज़ में शेप चाहिए उस तरह से। और अब ये गोल्डन वाला शेड लिया है मैंने इसी पैलेट में से, और ये लाइट गोल्डन शेड है, बहुत बहुत ज़्यादा डार्क कलर हमको यूज़ नहीं करना है अगर हम चाहते हैं कि आईज़ हमारी बड़ी बड़ी सी लगें, तो लाइट कलर ही लेकर और इसको जहाँ पर ये हमारा रह गया पूरे में हम ये गोल्डन लगा देंगे यहाँ पर। तो एक अच्छा लेयर इस कलर की हम लगा देंगे, और टेप को हटा लिया है मैंने, और लाइनर लगा लेंगे अब। और ये मैंने एसेंस का लिक्विड लाइनर यहाँ पर यूज़ किया है, तो इस तरह से लाइनर लगाना है बिल्कुल नॉर्मली जैसे कि हम लगाते हैं, लेकिन अंदर की तरफ बहुत मोटा मोटा लाइनर हमको नहीं लगाना है। जैसे कि आप देख रहे हैं, मैंने थोड़ा अंदर की तरफ थोड़ा सा पतला करके ही लगाया है। और अब ये हाइलाइटर मैंने लिया है, तो इसको मैं लगाऊंगी पहले इनर कॉर्नर में और आईब्रो के नीचे इसको मैं लगा लूँगी, और नोज़ को पकड़ के आपको थोड़ा सा ऑपोजिट तरफ आपको करना है जैसे मैंने किया। और ये वाला लाइनर मैंने लिया है, तो इससे आप ये इनर कॉर्नर का जो लाइनर है वो आप बना लीजिए। इससे आपकी आईज़ की शेप बिल्कुल आमंड टाइप लगेगी। और दूसरे, अगर आपके हुडेड आईज़ भी है कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये आप बाहर की तरफ लगा रहे हैं तो बहुत अच्छा लगेगा देखने में ये। और हल्का सा जैसे मैंने लगाया था वहाँ पर कंसीलर, तो बिल्कुल नीट एंड क्लीन आपका ये लाइनर लगेगा, बहुत ही अच्छा लगेगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आईज की शेप एकदम से चेंज लग रही है, और हल्का सा मैंने यहाँ पे पहले जो ऑरेंज वाला शेड लिया था उसको मैं लगा रही हूँ, और ये डार्क वाला शेड अब मैं ले रही हूँ, और इसको मैं बाहर बाहर ही रख रही हूँ, इसको भी बिल्कुल अंदर तक मैं लेकर नहीं आ रही। तो जो ज़्यादा डार्कनेस है वो बाहर की तरफ होना चाहिए, और हल्का सा ब्लेंड कर देंगे इसको अब हम। और पिंक वाला ये शेड लिया है मैंने, ये भी लाइट कलर का शेड है, और इसको मैं इधर लगा रही हूँ लैश लाइन पे अंदर की तरफ, जिससे कि आईज हमारी बड़ी बड़ी सी दिखनी स्टार्ट हो जाएगी। तो कभी भी आपको ऐसे करना हो, कोई भी लाइट कलर का शेड लेकर उसको अंदर की तरफ आप ज़रूर लगा लीजिए इनर थर्ड में लोअर लैश लाइन पे। और ये सेम गोल्डन वाला शेड लिया है मैंने अब, और इसको भी यहाँ पर मैं लगा रही हूँ थोड़ा सा ब्राइटन अप करने के लिए, जिससे कि लाइट वाले हमारे शेड इधर अंदर की तरफ आ जाएंगे। और हल्का सा ब्लैक कलर मैंने लिया है थोड़ा सा डार्क करने के लिए, और सिर्फ इसको बाहर बाहर ही थोड़ा सा करना है, बिल्कुल अंदर लेकर नहीं आना। और अब ये मैंने कीको की पेंसिल ली है, स्मार्ट आई पेंसिल, और ये न्यूड कलर की है,
तो इसको मैं लगा रही हूँ। काजल बिल्कुल नहीं लगाना है, ये वाली पेंसिल आप लगाएंगे तो आईज इससे एकदम से बड़ी बड़ी लगने लगती है। और मस्कारा लगा लेंगे अब हम। लोअर लैशेस पे भी इसको लगा लेंगे और इसके बाद मैं लैशेस लगाऊंगी। और लैशेस मतलब जो मैंने यूज़ करी हैं वो बिल्कुल ही नेचुरल सी लैशेस हैं, बहुत हैवी, बहुत ज़्यादा ड्रामेटिक, बड़ी बड़ी लैशेस आपको नहीं लगानी है। बिल्कुल नेचुरल सी जो दिखने वाली लैशेस होनी है आपको वही लगानी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये मैंने कोई यहाँ लेंस नहीं लगा है। अगर आप लेंस लगाते हैं तो उससे भी थोड़ा इफ़ेक्ट पड़ता है, थोड़ी सी आइज़ आपकी ज़्यादा बड़ी बड़ी और ब्राइटन अप सी लगती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो, अच्छा लगा हो, तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा मेरा चैनल और भी इस तरह के मेकअप के वीडियोस के लिए। और मुझको आप इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी ज़रूर फॉलो कीजिएगा। मैंने जो भी प्रोडक्ट्स यूज़ करे हैं वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखे हैं और वो आपको मिल जाएगा। जैसे ही आप टाइटल पर क्लिक करेंगे आपको नीचे दिख जाएगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। बाय।